आज 1 नवंबर 2024, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। बहुत काल का अभ्यास अपने आप शरीर से डिटैच हो रहा है। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच महसूस करेंगे। मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन मस्तक मणि हूँ, चमक रही हूँ, खुद को देख रही हूँ और खुदा को देख रही हूँ। परमात्मा शिव बाबा निराकार ज्योति स्वरूप है। मैं आत्मा भी बाप समान चमकती हुई मणि हूँ। परम धाम में बाबा के साथ हूँ। बाबा मेरे अंदर शक्तियां भर रहे हैं। विदेही बाप के साथ मैं आत्मा विदेही स्वरूप में हूँ। जितना जितना मैं आत्मा बाबा की याद में रहते हूँ, उतना उतना मेरा स्वास्थ्य ठीक होते जा रहा है। जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। आत्मा में जो रजोतमों की खाद पड़ी है वो निकल रही है और आत्मा चमक रही है। स्वयं भगवान ज्ञान का सागर मेरा श्रृंगार कर रहा है। ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से मैं श्रृंगारित आत्मा हूँ। ज्ञान गुण और शक्तियों के अविनाशी खजानों से भरपूर होने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अकेले आए थे, अकेले जाना है। जितना जितना मन मना भाव स्थिति में स्थित रहते हो, उतना उतना मनोरंजन का अनुभव हो रहा है। ये अविनाशी मनोरंजन पुराने खाते को खत्म करने से हर संकल्प हर घड़ी नया और अलौकिकता का अनुभव हो रहा है। और बाबा मुझे बहुत पावरफुल दृष्टि देकर वरदान दे रहे हैं कि बच्चे आपने कल्प कल्प याद की यात्रा से अपने अंदर की रजोतमों की खाद निकाल कर स्वयं को कंचन काया बनाया है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपना श्रृंगार किया है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करके आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया है। बातों को और पुराने संबंधों को देखने के बजाय खुद को और बाप को देखा है। मन मना भाव से पुराना खाता खत्म करके हर संकल्प
हर घड़ी नया और अलौकिक बनाया है। आपकी विजय निश्चित है। मावा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।